वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं बहुत ही चमत्कारिक बाबा के स्थान पे, जिनका नाम है कुछ बुद्धिया महाराज। ये उनका पूरा निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ पे है उनका मंदिर बनने वाला। उनका स्थान बीच रोड पे था पहले। हमारे साथ एक भाई है, उनसे लेते हैं यहाँ की पूरी जानकारी। तो इधर हमारे भाई बताएंगे कि ये मंदिर कब बना था। भाई, ये इधर मंदिर चेंज कब हुआ था? ये मंदिर अभी कम से कम यहाँ 10 साल हो चुके हैं यहाँ पे जी, जब से ये हाईवे बना हुआ है। तो इसी से तब तोड़ दिया था हाईवे वालों ने। अच्छा, अब ये मंदिर इधर बना दिया गया है, नया बनना है जी मंदिर, अभी इसका निर्माण चल रहा है। अच्छा, ये हाईवे के बीच रोड पे आ रहा था क्या, जब उनके नक्शा था? हाँ, तो रोड ही पे आ रहा था मंदिर, नक्शे पे रोड ही पे आ रहा था। तो हाईवे वालों ने बहुत तोड़ने की कोशिश की पहले इसको। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे मशीन खराब वराब हो चुकी हैं कई, मतलब यहाँ पे टूटा नहीं पहले। उन्होंने फिर वहाँ पे बद की पूजा वूजा की, अर्चना। अच्छा। की उनसे, मतलब जाने की विनती की उनसे। इससे इसके बाद उनने मतलब तोड़ दिया मंदिर को। अच्छा। अब मंदिर तोड़ जाने के बाद इस मशीन जो लेके वो बाहर गया, मतलब दूसरी जगह, तो वहाँ पर उनकी छत्तीसगढ़ वो वहाँ पर मतलब मशीन गिर पड़ी पहाड़ पे से। पहाड़ पे से गिर गई। अच्छा, और वो ड्राइवर मर गया। ड्राइवर मर चुका था वो, ड्राइवर जिसने तोड़ा था मंदिर, मतलब जिसने मंदिर तोड़ा था तो ड्राइवर भी मर गया। मतलब यहाँ जो महाराज जी हैं एकदम साक्षात निवास करते हैं, साक्षात उनके दर्शन करते हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। कभी कभी यहाँ आषाढ़ के महीने में क्या होता है, आषाढ़ के महीने में बहुत पूजा लगती है, जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो वो आषाढ़ के महीने में आता है, तो यहाँ पे बकरे की पूजा लगती है। अच्छा, तो बकरे से पूजा चढ़ाई जाती है, यहाँ पे बलि दी जाती है बकरे की। अच्छा, काट के यहीं पे बनाते नाते सब लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। अच्छा, महाराज के बारे में कुछ है जानकारी, कैसे यहाँ आए थे महाराज जी? कुछ पुराने लोग बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे कम से कम 100 साल पहले एक बाबा आए थे। अच्छा। तो वो यहाँ पे रुके हुए, तो उनने मतलब यहाँ पे कुछ जानते होंगे, यहाँ तंत्र मंत्र विद्या कुछ जानते थे, तो यहाँ पे रुके वो, तो उनने यहीं पे समाधि ले ली थी मतलब। तो इसी थोड़ी सी उनकी मर्यादा बना दी गई, इसके बाद उनका निर्माण होते गया। उनका अन्य मनोकामना पूर्ति हुई आदमी की, तो यहाँ पे आए लोगों को, उन्होंने उनको देखा, उनको अच्छा लगा। तो यहाँ भक्त लोग कैसे कैसे भक्त लोग आते हैं जो सही हुए हैं यहाँ पे? तो जैसे किसी को अगर बच्चा नहीं होता तो यहाँ पे वो मनोकामना मान करते हैं पूरी। हाँ। तो उन्हें मांगते हैं कि बच्चा हो जाए, तो कई लोगों के बच्चे भी हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। इस जगह पे तो यहीं पे मानते हैं लोग, आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, ग्वालियर से भी आते हुए यहाँ पे, अच्छे मनोकामना पूरी होती है यहाँ। अच्छा पे। अच्छा, मनोकामना के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और कुछ बुंदिया महाराज के यहाँ अर्जी लगाते हैं, नारियल वगैरह। प्रसाद में क्या चढ़ता है इधर? प्रसाद में तो यहाँ पे नारियल है, अगरबत्ती, लाचदाना और अच्छा। कुछ भी चढ़ता है, मिठाई भी चढ़ती है। अच्छा, सब कुछ चढ़ता है यहाँ पे, मिठाई भी चढ़ती है और बलि भी चढ़ती है। और यहाँ पे कन्या भोज भी होता है और यहाँ पे कथा भी होती है। अच्छा। हर चीज़ की पूजा, हर चीज़ होती है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। पूजा पाठ कथा सब कुछ होता है, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो लोग अपना काम यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं, मनोकामना। तो गाइस, ये था बहुत ही चमत्कारिक स्थान। यहाँ लोग आते हैं काफ़ी दूर दूर से, और इनके इस जगह पे हजारों लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई है। क्योंकि यहाँ पर यहाँ के लोग मानते हैं, मानते क्या है, इधर साक्षात विराजमान कुछ बुंदिया महाराज, जो कि बहुत ही इनका नाम रहा है और मीडिया पे भी इनका नाम आया है। क्योंकि जब इस समय यहाँ जब जेसीबी चल रही थी, तो पहली बात तो किसी ने उखाड़ भी नहीं पाया, बहुत ही तंत्र विद्या हुई, बहुत ही यहाँ का काम चलता रहा, लेकिन यहाँ किसी ने उखाड़ नहीं पाया था। तो बहुत लोग रहे, लेकिन एक जेसीबी वाले ने उखाड़ के दूसरी जगह किया था, तो उसको मरना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा देखा कि ये महाराज काफ़ी चमत्कारिक है, तो उन्होंने अब उस जगह से स्थान को तो चेंज किया है, लेकिन रोड के उस साइड मंदिर बनाया। लेकिन महाराज उस जगह पर नहीं रहे, महाराज जी को वहाँ रुकना अच्छा नहीं लगा, है ना? वहाँ पे उन्होंने मतलब ऐसे पूजा वूजा पाठ करने आए, तो वहाँ पे वहाँ होम नहीं लिया उन्होंने। अच्छा। पूजा उन्होंने नहीं ली वहाँ पे उन्होंने। अच्छा, होम कैसे लेते हैं? ऐसे होम करते हैं, दिया रखते हैं, तो होम कर चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो उन्होंने। अच्छा। होम नहीं लिया वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने अपनी पूजा नहीं की उन्होंने वहाँ पे, माने नहीं की उन्होंने वहाँ पे। अच्छा। चक्कर में दूसरी जगह साइड में रोड के उस तरफ में मंदिर थोड़ा सा होम लिया, तो वहाँ पे पूजा करने लगे सब लोग, तो इसी तरीके यहाँ से साइड मंदिर बनने लगा। तो गाइस, मंदिर रोड के उस साइड बनाया है गवर्नमेंट ने, लेकिन उधर लोग उधर
पूजा नहीं होती है क्योंकि महाराज जी को वहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा और महाराज जी ने वहाँ स्थान पीठ पड़ रही थी वहाँ पर। अच्छा, महाराज जी की पीठ पड़ रही थी इसलिए महाराज जी ने उस स्थान उस जगह पे स्थान नहीं रखा है, उन्होंने इस साइड रखा है रोड के इसी साइड, जो कि ये NH-27 नेशनल हाईवे है और यही एक कानपुर से झांसी वाला हाईवे है ना, झांसी वाला है चरगांव के पास। हाँ हाँ, ये अपना उत्तर प्रदेश जिला झांसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर चिरगांव है और चिरगांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है जो कि इंटरनेशनल हाईवे NH-27 पे ही है। यहाँ आते हैं लोग, दर्शन करते भी हैं, तो मैं भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया है, चलिए दर्शन करते हैं। ये है कुजबनिया महाराज का अभी मंदिर और पीछे चल रहा है निर्माण कार्य, तो यहाँ के बाद ये महाराज जी का ऊपर रहेगा स्थान। ये बने हुए हैं महाराज जी का पूरा, अभी छोटा सा स्थान है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।